तो अगर आप ध्यान से देखें आपके सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है एक से लेकर साठ तक का अगर आपको स्क्वायर याद है एक से लेकर अगर साठ तक का स्क्वायर याद है और आपके एग्जाम में अगर x x दिया रहे और की पावर फोर है या x की पावर एट प्लस एस की पावर एट पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो अगर आप वैल्यूज याद रहेगी तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर से क्या होगा दो कम होगा परफेक्ट स्क्वायर से क्या होगा दो कम होगा यही हमारा आंसर होगा अगर आपको याद हो ये या अड़तालीस का स्क्वायर तेईस होता है तो दो कम कर दिया तेईस डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ठीक है समझ में नहीं आया